Hello everyone. So on demand of subscriber student, today we are going to study about cloud computing introduction. Means आखिर cloud computing होता क्या है, सुनने में बहुत आता है हमारे cloud computing. यदि आप आज के time में सोचें तो हर कोई cloud computing से घिरा हुआ है. अब cloud computing means होता क्या है? Okay, जैसे मान लीजिए आप YouTube का use कर रहे हैं, मीन्स आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं. यदि ऑनलाइन चैटिंग की जा रही है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप, ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल. गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल. फेसबुक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल. यानी जहाँ पर भी इंटरनेट है हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है. ओके, मीन्स मोर देन वन कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करने को होना, तो किसका एग्जाम्पल है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्लाउड और कंप्यूटिंग ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक क्लाउड है दूसरा कंप्यूटिंग, तो इसके अंदर क्लाउड क्या होता है? जब हम क्लाउड वर्ड सुनते हैं तो माइंड में क्या क्लिक होता है कि ये क्लाउड लाइक दिस मीन्स एक बादल, एक ऐसा बादल जिसके अंदर क्या रखा हुआ रहता है? वाटर. यानी क्लाउड इज नथिंग. अगर हम नेचुरल क्लाउड, जो नेचर का क्लाउड बनता है उसकी बात करें, तो क्लाउड मीन्स नथिंग स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी पानी का कलेक्शन एक क्लाउड होता है नेचर में. लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में क्लाउड मीन्स एक तरह का स्टोरेज, लेकिन ऐसा स्टोरेज जिसके पास वाटर नहीं बल्कि डेटा होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो है क्लाउड इन कंप्यूटर साइंस. ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो क्लाउड है, जो स्टोरेज है, यदि उसको मोर देन वन कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या मोर देन वन होना ज़रूरी है? नो, मोर देन वन होना ज़रूरी नहीं है. अगर सिंगल कंप्यूटर है तब भी काम चल जाता है. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि जो हमारा डेटा है वो रिमोट लोकेशन पर रखा हुआ होना चाहिए. मीन्स कंप्यूटर ने उसको एक्सेस करने को होना या तो इंटरनेट की मदद से या फिर किसी भी नेटवर्क की मदद से, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग. इसको हम एक और तरीके समझ लेते हैं. मान लीजिए यूट्यूब हमारे पास में है. ओके, अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक, हो सकता है कि फ्यूचर में मोर देन वन पीपल उस वीडियो को एक साथ देखें. कोई मोबाइल फ़ोन में देखेगा सेम टाइम पे, तो कोई हमारे अपने लैपटॉप में देखेगा, तो सेम टाइम पे कोई टीवी पे देखेगा. मीन्स सेम वीडियो को यूट्यूब से मोर देन वन पर्सन एक्सेस कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग. यानी किसी स्टोरेज को एक से ज़्यादा डिवाइसेस की मदद से एक्सेस करना. लेकिन डिवाइसेस कनेक्टेड कैसे होंगे? इंटरनेट की मदद से कनेक्ट होंगे, या फिर कोई नेटवर्क होगा उनका आपस में. तो क्लाउड मीन्स क्या होता है यहाँ पे? तो क्लाउड मीन्स एक इंटरनेट, एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, जो कि रिमोट लोकेशन पर रखा गया हो. अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि क्लाउड मीन्स एक तरह का स्टोरेज, एक ऐसा स्टोरेज जो कनेक्टेड हो दूसरे कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लाउड अपनी सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करता है? तो दो तरीके से, एक पब्लिकली और एक प्राइवेट नेटवर्क. एक पब्लिक नेटवर्क रहेगा, एक प्राइवेट नेटवर्क रहेगा. इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे. लेकिन कनेक्शन के मोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क में हम बोल सकते हैं कि एक लार्ज एरिया में, जैसे कि एक कंट्री की कंट्री हो गई, मीन्स एक सिटी हो गई. अगर लोकल एरिया की बात करें मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं एक छोटे एरिया में, वो आपस में कनेक्टेड हो. और वाइड एरिया मीन्स एक सिटी साइज का एरिया, एक शहर के शहर आपस में कनेक्टेड हो. अगर हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करें, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि हमारे कंप्यूटर में हम यूज़ तो कर रहे हैं पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से. मीन्स जो भी डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं दूसरा पर्सन ये पता ना कर पाए
कि किस कंप्यूटर पर उस डेटा को यूज़ किया जा रहा है। डेट इज़ हमारे कंप्यूटर की लोकेशन या हमारे कंप्यूटर का एड्रेस, हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सामने वाले को ना मिल पाए, मीन छिपके हम लोग डेटा को एक्सेस करें। ओके, वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लाउड, क्लाउड की ज़रूरत क्यों है? आप लोग खुद सोचिए, अगर मान लो क्लाउड नहीं होता, ईमेल होता? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मीन जो जीमेल, जो याहू मेल, जो हॉटमेल, जो आउटलुक हम लोग यूज़ करते हैं, वो किसका एग्जांपल है? क्लाउड का। मान लो मैंने आपको ईमेल किया, तो ईमेल मेरे कंप्यूटर से आपके पास जा कैसे रहा है? विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, यानी हम लोग आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर क्लाउड नहीं होता, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ईमेल नहीं कर सकता, वेब कॉन्फ्रेंसिंग आपस में नहीं हो पाती, चैटिंग आपस में नहीं हो पाती, व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बन पाता, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन नहीं बन पाती, सीआरएम जैसे सॉफ्टवेयर नहीं बन पाते, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लाउड की। अगर तो क्लाउड नहीं होता तो आप खुद सोचिए, आज हम यूट्यूब पे वीडियो रख पाते हैं, क्यों? क्लाउड की वजह से। अगर मान लो आप लोग मेरे वीडियो एक्सेस नहीं कर पाते, तो क्या मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो को अपलोड करता? नहीं करता। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड मैंने क्यों की? क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब एक तरह का क्लाउड है, वो एक तरह का ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे मैं वीडियो रखूँगा तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस के लिए ही क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन यदि हम देखें तो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्लाउड होता क्या है, अब हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स नथिंग बट, ये भी वही है जो अभी तक हमने स्टडी किया, मीन्स ऑनलाइन स्टोरेज, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन यूज़ करना। ओके, मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो गेमिंग किसका एग्जांपल है? क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है? क्लाउड मीन्स स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स उस स्टोरेज को एक्सेस करना, उस स्टोरेज में चेंजेस करना, उस स्टोरेज में जो भी वर्क हम करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड यानी स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स उस स्टोरेज के ऊपर वर्क करना। अब स्टोरेज मीन्स नॉट ऑलवेज मेमोरी, हम बोल सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट। क्या जरूरी है हम वेबसाइट को हमेशा स्टोर करने के लिए यूज़ करें? वेबसाइट का यूज़ हम और वर्क के लिए भी कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए रीडिंग, हमने कोई डेटा वेबसाइट के ऊपर सेव नहीं किया, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए वेबसाइट में, हमने ओनली क्या किया, उस वेबसाइट को ओपन किया और रीडिंग करना शुरू कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये एग्जांपल किसका है? क्लाउड कंप्यूटिंग का। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स क्या होता है? जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्लाउड के ऊपर रखे गए हैं उसका यूज़, उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या ऑफर करता है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, यानी आपको अपने फ़ोटो मोबाइल में अगर नहीं रखना हो तो आप ऑनलाइन रख सकते हो। जैसे एक सर्विस है पिकासा या फिर गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स, ये क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स हैं जो हमको ऑनलाइन डेटा रखने में मदद करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। मान लीजिए अगर मुझे अपनी कोई एप्लीकेशन मैंने बनाई एंड्रॉयड के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, अगर इस सॉफ्टवेयर को मुझे मार्केट में होस्ट करना है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? प्ले स्टोर। मैं प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को पब्लिश कर दूंगा, वहाँ से लोग उसको डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे, यानी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी मदद से मिल गया? क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से मिल गया। एप्लीकेशंस, ऑनलाइन हमको एप्लीकेशन मिल जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाट्सएप। मुझे मैसेजिंग एप्लीकेशन चाहिए थी ऑनलाइन, वो हमारे सामने क्या है? व्हाट्सएप। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी मुझे किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए
वरी होने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, हमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हम कहीं पे भी किसी भी लोकेशन से क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यूज़ करते भी हो, मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर मुझे फेसबुक यूज़ करना है तो कभी लैपटॉप पे यूज़ कर लेता हूँ, अगर फेसबुक यूज़ करना है तो कभी मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, कभी कॉलेज में बैठा हो तो कॉलेज में बैठे बैठे ओपन कर लेता हूँ, अगर बस के अंदर हो तो बस में बैठ के मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ। मीन लोकेशन के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? व्हाट आर द वर्किंग मॉडल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए से कौन से मॉडल्स हैं जो यूज़ में आते हैं? तो एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल, दूसरा होता है सर्विस मॉडल्स। तो दोनों के हम देखते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल की यदि हम लोग बात करें तो क्लाउड को किस तरीके से एक्सेस करें, किस तरह से यूज़ करें, तो यूज़ करने के तरीके हमारे पास में है। एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड और एक होता है कम्युनिटी क्लाउड। तो पहले मैं बात करता हूँ पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड मीन्स क्या? एक ऐसा स्टोरेज जो जनरल पब्लिक के लिए रखा गया है। जनरल पब्लिक से मतलब यहाँ पे कि कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी का पर्सनल नहीं है। जैसे एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे ले लूँ पब्लिक क्लाउड के अंदर यूट्यूब, सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोई भी यूट्यूब को एक्सेस कर सकता है। ये बात अलग है कि सबको अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड मिलते हैं, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, भले यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग हो लेकिन डेटा रखा तो एक ही जगह पे है। मीन सेम स्टोरेज पे अलग अलग यूजर्स का डेटा रखा है, यानी हम बोल सकते हैं कि सेम स्टोरेज को बिलियंस ऑफ यूजर्स सेम टाइम पे एक्सेस करते होंगे, मोर देन वन यूजर सेम टाइम पे एक्सेस करते होंगे। यानी जिस स्टोरेज पे आपका ईमेल रखा है उसी स्टोरेज पे किसी और पर्सन का ईमेल भी रखा होगा, यानी एक ही मेमोरी के अंदर अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। ये हो जाता है पब्लिक क्लाउड। अब बात आती है प्राइवेट क्लाउड की। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? तो प्राइवेट क्लाउड जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, हम बोल सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर, अगर कंपनी अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए खुद का पर्सनल स्टोरेज यूज़ करती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट क्लाउड। यानी ऐसी कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो कंपनी के अंदर, जिसके ऊपर की प्रोग्रामिंग का काम होता हो, लेकिन कंपनी ने क्या किया हो कि वो सॉफ्टवेयर कोई और यूज़ ना कर पाए कंपनी के बाहर, तो कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को खुद के स्टोरेज पे, पर्सनल स्टोरेज पे इंस्टॉल करके रखा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, कि खुद के अलावा, खुद की कंपनी के अलावा, जो भी हम बोल सकते हैं, या खुद के पर्सनल के अलावा कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड में हम लोग बोल सकते हैं कि एक पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड के अंदर हमने एक प्राइवेट क्लाउड बना दिया। मीन पब्लिक के अंदर प्राइवेट क्लाउड का होना कहलाता है हाइब्रिड क्लाउड। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अमेजन वेब सर्विसेज का। भले अमेजन वेब सर्विसेज पब्लिक में आता है, बल्कि कुछ सर्विसेज प्राइवेट क्लाउड के अंदर भी आती है। दिस इज हाइब्रिड क्लाउड, यानी पब्लिक के अंदर प्राइवेट क्लाउड का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड की। अब कम्युनिटी क्लाउड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए किसी को CRM चाहिए। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई डेटा है जिसको एक्स कंपनी भी यूज़ करना चाहती है, जिसको वाई कंपनी भी यूज़ करना चाहती है, जिसको जेड कंपनी भी यूज़ करना चाहती है। मीन्स ये डेटा पब्लिक के लिए नहीं है, नॉट फॉर पब्लिक, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इस डेटा के ऑनर से परमिशन ले कि हम आपके डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, या वाई बोले कि हम आपके डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर जेड परमिशन लेके इस डेटा को यूज़ करना शुरू कर दे,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड। ओके, जैसे कि मैं आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे आधार का। ओके, मींस आधार की इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखी है, एक स्टोरेज पे, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज के अंदर परमिशन मिल जाती है हमारी आधार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की। या भी दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी। आजकल बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी ईमेल आईडी से एक्सेस करना है। ये क्या हो जाता है, कम्युनिटी क्लाउड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक स्टोरेज को हर किसी को यूज़ करने की परमिशन ना देना, ओनली कुछ लोगों को ही यूज़ करने की परमिशन देना, वो जाता है कम्युनिटी क्लाउड। तो अभी हमने क्या देखा था, डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब हम देखते हैं सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल्स मीन्स क्या, सर्विस मॉडल्स मीन्स किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने के लिए मदद की जा रही है। देखिए, क्लाउड को अभी एक्सेस करने की बात नहीं हो रही है कि क्लाउड को कैसे यूज़ करना है, इसकी बात नहीं हो रही है। अब बात किस चीज़ की हो रही है कि क्लाउड को बिल्ड कैसे करें, क्लाउड की सर्विसेज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए कौन सा मॉडल यहाँ पे आने वाला है, सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल्स में पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इनके अलावा भी होती है सर्विस मॉडल्स, बट ये जो थ्री मॉडल्स मैंने यहाँ मेंशन किए ये सबके बेसिक होते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दिस मीन्स क्या, इसका मीनिंग ये है कि फिजिकल मशीन्स को प्रोवाइड करना। मान लीजिए मुझे कोई क्लाउड खड़ा करना है अपना, ओके, तो फिजिकल मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिजिकल मशीन्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, या तो मैं किसी से रेंट पे ले सकता हूँ, या फिर अगर खुद का खड़ा करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल मशीन्स आएगी इसके अंदर, देन वर्चुअल मशीन्स आ जाएंगी, देन हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा जो भी हमको यूज़ करना है, या फिर हम बोल सकते हैं सीपीयू आ जाएगा। तो ये क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे हार्डवेयर की बात हो रही है। नेक्स्ट उन्हें हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मीन्स क्या, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मीन्स मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट मैंने बनाई है, अब इस वेबसाइट को मेरे को होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी वेबसाइट को पुट करना पड़ेगा, तो किसका एग्जाम्पल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी मुझे पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ मिलेगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे ओनली क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर को होस्ट करना है। जैसे यदि हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूरे का। माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्या करता है, हमको वेबसाइट को होस्ट करने के लिए पूरा इन्वायरमेंट देता है, तो वो क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। या फिर हम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल प्ले स्टोर का, जहाँ हमें पूरा इन्वायरमेंट मिलता है अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को होस्ट करने का, तो किसका एग्जाम्पल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मीन्स जिससे हम लोग मीन्स यूज़र इंटरेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे मान लीजिए अगर आपको फेसबुक यूज़ करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक की वेबसाइट को यूज़ करना पड़ेगा, तो फेसबुक डॉट कॉम क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर मान लीजिए आपको ईमेल यूज़ करना है, तो ईमेल के लिए क्या करना है, जीमेल की वेबसाइट को ओपन करना है। तो जिसकी मदद से एक यूज़र किसी भी सर्विस को यूज़ करता है, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि अलाउज पे पर यूज़, मीन जितना आप लोग यूज़ करोगे आपको उतना ही पे करना है। आपको ऐसा नहीं कि मंथली आप पे कर रहे हो कि आपको ईयरली पे करना है। ओके, आप पे डिपेंड करता है, आप मंथली वाला प्लान भी ले सकते हो, ईयरली वाला भी ले सकते हो। मीन्स सबसे बढ़िया क्या है, जैसा आप यूज़ करोगे आपको पे करना है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप नेक्स्ट वन इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए
क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, मीन चाहे तो मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर लो, चाहे तो लैपटॉप में यूज़ कर लो, चाहे तो विंडोज़ पे यूज़ करो, चाहे तो लिनक्स पे यूज़ करो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेब बेस्ड कंट्रोल एंड इंटरफेस। पूरी तरीके से आपको इंटरनेट के ऊपर एक कंट्रोल मिलेगा। जैसे अगर मान लो आपको फेसबुक यूज़ करना है, तो फेसबुक यूज़ करने के लिए क्या है, सब कुछ आपके सामने होता है, बटन आपके सामने होते हैं, कलर आपके सामने होता है। ओके, मीन्स एक इंटरफेस आपको मिलता है यूज़ करने का। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ऑलवेज अवेलेबल। जब भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करना है, हमेशा अवेलेबल रहता है। मान लीजिए आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करना है, हमेशा अवेलेबल है। यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना है, अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियो देखना है, अवेलेबल है। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमेशा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दिस मीन्स आप पे डिपेंड करता है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी सर्विसेज को यूज़ करना है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट होस्ट की। ओके, वेबसाइट होस्ट करने के बाद आपको ऐसा कोई फीचर चाहिए कि आप अपने कस्टमर से ऑनलाइन चैटिंग कर सकें, या फिर मान लीजिए आपको स्टोरेज, जब आपने 80 GB का लेके रखा है, आपको 80 GB से 800 GB करना है। ओके, या फिर आपको कस्टमर सपोर्ट की सर्विस चाहिए, मीन्स जो सर्विस आपको चाहिए वो खुद ही करना है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं देगा। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब ज़रूरत हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन और डिवाइस इंडिपेंडेंट। मीन्स ये वही हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लोकेशन यहाँ पर आ गया है, कहीं से भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर। मीन्स यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर रेंट पे मिल जाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मान लो किसी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है, नो नीड टू परचेस, जस्ट आप क्या कर सकते हो, उसको रेंट पे ले सकते हो। जब तक यूज़ करना हो रेंट दो, जब यूज़ नहीं करना हो उसको फ्री कर दो। इससे क्या होता है कि मनी बच जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल। मीन्स हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं और सॉफ्टवेयर को होस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिल जाता है। ओके, देन कॉस्ट सेविंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से आप मनी को बचा सकते हो। जितने स्टोरेज की ज़रूरत है उतना स्टोरेज लो, अगर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है परचेस करने की ज़रूरत नहीं, उसको क्या करो, रेंट पे ले लो। अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज की बात करूं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, टेक्निकल इशू। अगर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको वेट करना पड़ेगा, किसका, कस्टमर सपोर्ट का। हर कोई टेक्निकल नहीं होता कि टेक्निकल प्रॉब्लम को हर पर्सन समझ सके। ओके, या तो एक तरीका क्या है, खुद ही इंजीनियर बन जाओ, कि दूसरा तरीका क्या है कि सामने वाले पे वेट करो या उसको सीखो पहले। तो टेक्निक, या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम भी आ सकती है, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी मीन्स हैकर्स। ओके, मीन्स कोई भी आपके डेटा को ऑनलाइन स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एनीथिंग। अगला हो जाता है डाउन टाइम। यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कोई यूज़ कर रहा है, या एक पब्लिक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पब्लिक यूज़ कर रही है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ना हो, या अवेलेबल भी हो तो स्लो अवेलेबल हो। जैसे आप लोग देखते ही हो, जब भी आपको रिजल्ट देखना है, ओके, तो रिजल्ट वाले दिन आपकी वेबसाइट बहुत देर से ओपन होती है, जहाँ पे भी आप रिजल्ट देखते हो। इसका मीनिंग क्या है कि जब बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो उसको मिलने की जो अवेलेबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। परफॉर्मेंस कैन वेर आई, बिल्कुल परफॉर्मेंस में चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ओके, तो हो सकता है कि आपको किसी प्लेस पे परफॉर्मेंस वीडियो प्रॉपरली मिल रहा हो, किसी प्लेस पे प्रॉपरली नहीं मिल रहा हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी आप टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, इंटरनेट पे।
अगर इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ नहीं हो सकता है। अगर इंटरनेट है तभी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ हो सकता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।